हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वांडर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ संध्या और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हमारे गोवा का डे 1। दैट्स गोना बी लॉट्स ऑफ शॉपिंग, लॉट्स ऑफ फूड एंड लॉट्स ऑफ मस्ती। प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करें। सो नॉर्थ गोवा में है हम इस समय और मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही बढ़िया रिज़ॉर्ट, तो उस ही रिज़ॉर्ट के पास में कलंगट बीच है। तो इस समय हम लोग कलंगट बीच में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। तो अभी हम लोग कलंगट बीच में हैं और यहाँ पर ब्लू कोकोनट नाम का एक सैक लिया है हमने, सैक पे बैठे हम लोग। सो विल ऑर्डर समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट। हाँ बैठो बैठो। सो व्हाट आर वी गोना ऑर्डर? Scrambled egg, mushroom omelette, sandwiches, पकोड़ाज एंड ब्रेड के भी बहुत सारे वैराइटीज़ हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो वील ऑर्डर समथिंग और देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। What do you want? हकी तो मिल गया ना। So in Goa you can do these kind of braidings also, hair के एक edge में लगा देते हैं। So the price starts from 150 rupees। ये भी braiding का ही क्या? ये पायल है। अच्छा पायल है। ये भी लगा सके, कितने का? पैरों में बांध सकते हैं। कितने का? 100 rupees। कम नहीं होगा क्या? 70 कर देगा, 80। How is this one? This one I like. This one is good. I think ये वाला। ये वाला? हाँ ये भी अच्छा है। तो ये वाला करा लेंगे। गोवा के काफ़ी सारे वीडियोस एंड फ़ोटोज़ में आपने ब्रेडिंग करते हुए टूरिस्ट को देखा होगा। सो काफ़ी लोग करवाते हैं ब्रेडिंग यहाँ पर और काफ़ी सुंदर भी लगता है। विद बीच का वाइब बहुत ही सुंदर दिखता है एंड ईवो पर भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा था एंड ऑल्सो हेयर वॉश करने के बाद भी इसका कलर नहीं निकला था। सो थ्रू आउट योर गोवा ट्रिप ये इंटैक्ट रहेगी। सो इवानका का बनाना मिल्क शेक इज हियर। टेस्टी ना बनाना मिल्क शेक। अच्छा बैठ जाओ। सो ईवो इज़ एन्जॉइंग हर बनाना मिल्क शेक। ये काफ़ी अच्छा था बट इट वाज टू स्वीट फॉर मी बिकॉज इसमें आई गेस एक्स्ट्रा शुगर भी डाला है। बनाना भी नेचुरली काफ़ी स्वीट होती है। सो ये काफ़ी ओवरली स्वीट लगा मुझे। और सारे जो भी चीज़ें हम ट्राई करें हर चीज़ का प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। We have वेज पकोड़ा और ये है मशरूम ऑमलेट विद टोस्ट। ठीक है, तो पहले वेज पकोड़ा ट्राई करते हैं। सारे डिशेस के प्राइस आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। सो वेज पकोड़ा में मुझे मिर्ची दिखाई दे रही है, आलू है, आई थिंक देयर इज कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम एंड प्याज। थोड़ा सा सॉस में डिप कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई। इट्स नाइस एंड हॉट। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी गर्म भी सा हुआ है और थोड़ी धूप भी है, गर्म भी रहता है। ऊपर से इन्होंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है गेस, तो उसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो अगर आपको सारे पकोड़े थोड़े थोड़े ट्राई करना, मतलब गोभी अलग से, प्याज अलग से, वैसे भी मिल जाएगा लेकिन हमने मिक्स लिया ताकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई कर पाए। तो ये है मशरूम ऑमलेट। तो इसमें ऑमलेट तो है ही, ऊपर से बहुत सारी क्वांटिटी में मशरूम है। बिल्कुल कंजूसी नहीं की है मशरूम की क्वांटिटी में। तो लेट्स ट्राई। ये ना बहुत ही सिंपल सी ऑमलेट, मशरूम ऑमलेट है। ब्रेड है, ब्रेड को इन्होंने टोस्ट वगैरह नहीं किया, एकदम नॉर्मल सा फ्रेश ब्रेड है। और ऑमलेट भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ज़्यादा मसाला कुछ भी नहीं है। गैस उसमें आई थिंक नमक एंड थोड़ी सी ब्लैक पेपर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल ऑमलेट, परफेक्ट फॉर ब्रेकफास्ट। नाइस। कलंगट बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा और कलंगट बीच में आपको काफ़ी सारे लोग दिखाई देंगे। यहाँ पे खाने का ऑप्शंस काफ़ी अच्छा है, शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और बीच इन ओवरऑल बहुत ही मस्त है। और यू नो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी आपको दिख जाएंगे इजीली, सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी हैपनिंग प्लेस। और यहाँ पर बैठकर आराम से बीच का व्यू एंजॉय करना, खाना पीना और जस्ट चिल करना एंड डूइंग नथिंग एल्स इज़ सो मच फन और इट मेक्स यू फील सो रिलैक्स्ड। तो आज का दिन हम लोग काफ़ी यू नो सिंपल रखने वाले हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा प्लेसेस कवर करने में फोकस नहीं करेंगे बिकॉज इट्स डे वन और वी जस्ट वांट टू रिलैक्स। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग कलंगट बीच के मार्केट एरिया में आ गए हैं। यहाँ पर आपको गोवा के हर कोने वाली हर चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। दिस इज़ वन सच बिग मार्केट जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप टैटो लगवा सकते हो, परमानेंट ऑल्सो टेम्पररी वाला भी अरेंजमेंट है यहाँ इनके पास। एंड ऑल्सो बाइक्स मिल जाएंगे आपको रेंट पर। There's lots of handmade stuffs also, बैग से लेकर स्लीपर से लेकर नेम प्लेट्स एंड सो मैनी स्टफ्स। मैं आपको यहाँ पे भी क्विकली दिखा देती हूँ। There's so many beautiful things that you can get for yourself, आप घर लेके जा सकते हो। एंड ऑल्सो कपड़ों की तो कोई कमी नहीं है। लाइक आई वुड रेदर से कि आप गोवा के लिए कपड़े लेकर ही मत आए। यहाँ पे आपको बहुत सारा गोवा अप्रोप्रिएट कपड़ा मिल जाएगा और सारे साइजेस में अवेलेबल रहता है। बैग्स है, यू नो एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गोवा में ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी सारा मिल जाता है आपको। सो अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। सो हमने भी काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली और मैं रूम में जाके दिखाती हूँ हमने क्या क्या परचेज़ किया। तो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि काफ़ी सारे ऑप्शंस थे स्ट्रीट शॉपिंग के। तो हमने भी काफ़ी सारा शॉपिंग किया और सब कुछ अफोर्डेबल रेट में था टू बी ऑनेस्ट। और फर्स्ट मैं आपको क्विकली दिखा भी देती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। फर्स्ट ये फंकी शर्ट है, परफेक्ट गोवा वाइब वाली। दिस वन वॉज फॉर 250 रुपीज़। तो काफ़ी सारे शॉप्स में ना आपको 500 रुपीज़ के या 400 रुपीज़ के दिखाई देंगे, लेकिन आप ज़्यादातर शॉप्स में पूछते रहिए तो कहीं ना आपको 200-250 रुपीज़ का भी मिल जाएगा। सो इनके फिक्स्ड प्राइस रहते हैं तो बार्गेन तो नहीं कर पाते हो। तो आप यू कैन चेक विथ मल्टीपल शॉप्स रादर देन गोइंग फॉर वन शॉप अलोन। तो ये 250 का मुझे लगता है स्टील डील है और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है और सॉलिड पे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। So this is the first thing we got. Second thing which we got is this one. ये एक dress है. So this was for 450 rupees. तो knee length size का है और काफ़ी like free size का होता है, like कोई भी इसे पहन सकता है। And मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही गोवा vibe वाला cute सा look है इसका। So perfect. और next हमने ईवो के लिए लिया है ये टॉम एंड जेरी का टी शर्ट। सो या ये पानी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, सो बीच में अगर उसको बैठ होना है तो उसके लिए परफेक्ट टी शर्ट है ये। सो वो काफ़ी क्यूट लगा बच्चों के लिए, एकदम परफेक्ट था। ये था 250 रुपीज़ का। नेक्स्ट मैंने ये वाला पैंट भी लिया था। सो इट्स लाइक वेरी कम्फी, इस टाइप का पैंट है, लाइक परफेक्ट फॉर गोवा लुक। एंड ये हमें पड़ा 350 रुपीज़ का। पॉकेट्स भी है इसमें, पीछे लिखा है, पीछे नहीं है, आगे है। वेरी कंफर्टेबल, वेरी ब्रीजी एंड वेरी नाइस। और इसके साथ पहनने के लिए मैंने इस टाइप का आई लव गोवा वाला टी शर्ट लिया है। सो दिस ऑल्सो क्वाइट नाइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन। दिस टी शर्ट वॉज फॉर 100 रुपीज़ और ये 350 का था। सो इस टी शर्ट में हमने सेम काइंड ऑफ वन टी शर्ट सौरभ ने अपने लिए लिया है और ईवू के लिए भी हमने लिया है विथ स्लीव। तो ये स्लीवलेस वाला बच्चों के लिए नहीं था। सो ये हमने ईवो के लिए लिया है और ये मैंने अपने लिए लिया और सौरभ ने अपने लिए लिया है। नेक्स्ट मैंने ये ब्रेसलेट भी लिया है। सो इट्स लाइक स्टोन का है और काफ़ी हैवी भी है। इट्स जस्ट फॉर 50 रुपीज़। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कलरफुल स्टोन्स हैं और गोवा के आउटफिट्स के साथ ना काफ़ी अच्छा क्यूट लगेगा ये। सो आई टोटली लव दैट। देन हमने 3 हैट्स भी लिए हैं। ये तीनों मिला के हमको 500 रुपीज़ का पड़ा है। सो आई थिंक इट्स डिसेंट बिकॉज ये है फर्स्ट वाला जो सौरभ ने लिया था एंड दिस इज़ फॉर 150 रुपीज़। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ईवो का हैट। एंड लेट मी टेल यू कि गोवा में अगर आप आते हो ना, प्लीज़ इधर आप हैट लेके आइए या फिर यहाँ से खरीद लीजिए बिकॉज काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बिकॉज इट्स वेरी हॉट इन द आफ्टरनून एंड इन द मॉर्निंग। तो हमें ना पैर में इतना गर्म लग रहा था बट देन फेस में या कहीं पे भी गर्म नहीं लग रहा था बिकॉज ऑफ द हैट। सो दिस इज़ ईवो का हैट। दिस इज़ अगेन फॉर 150 रुपीज़ और ये मेरा हैट है एंड दिस वन इज़ फॉर 200 रुपीज़। मुझे इसका शेप काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन पीछे से विड्थ कम है और आगे से काफ़ी बड़ा विड्थ है। मुझे काफ़ी क्यूट सा शेप लगा। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स हैं, सो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। सो आई टोटली लव्ड इट एंड काफ़ी अच्छा शॉपिंग के लिए। इवन आपको अगर शेल्स के नेकलेसेस या इयरिंग्स वगैरह लेने हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ का सब। एंड मुझे नेक पीस का ज़्यादा शौक नहीं है और इयरिंग्स भी आपने भी नोटिस किया होगा मैं ज़्यादातर यही वाला पहनती हूँ, सो आई एम नॉट टू मच इनटू इट। तो आई गॉट अ ब्रेसलेट, आई टोटली लव्ड इट। और ये ट्यूब है बिकॉज हमने सोचा कि शाम को या फिर कल हम लोग थोड़ा सा पूल में भी खेलेंगे। सो इवान का ऑलरेडी हैज़ 2 ट्यूब्स बट हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं वी ऑलवेज फॉरगेट इट। सो ये हमें मिला है 170 रुपीज़ का, आई गेस 180। ये हमें पड़ा है 180 रुपीज़ का, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज़। इससे बड़े साइज़ में भी आपको मिल जाएंगे। सो या दैट वाज आवर शॉपिंग फॉर द डे। सो अभी हम लोग चपोरा फोर्ट जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो हमने सोचा शू वगैरह पहन लेते हैं बिकॉज वहाँ पे थोड़ा चढ़ना वगैरह हो सकता है। सिंस इट इज़ फोर्ट तो आई एम अज्यूमिंग कि शूज़ पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। नाइस इवू, मम्मा देखो, या यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। सेम वी आर ऑल वेयरिंग द सेम टॉप। हार्ट Yes, I love Goa. So, हम लोग पहुंच गए हैं चपोरा फोर्ट के पार्किंग एरिया में। यहाँ पर कार पार्किंग के लिए हमने पे किया है 100 रुपीज़ और चलिए अभी आगे चलते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे देती हूँ, गोवा में ओला एंड उबर आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप अपने खुद की गाड़ी से नहीं आए हो तो आपको बाइक या कार रेंट पे लेना पड़ेगा। बाइक वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बाइक या स्कूटी, और वो आपको अराउंड 400-500 रुपीज़ पर डे के बेसिस पे मिल जाएगा एनी बीचेस के पास से। सो कलंगट बीच में भी आपको ईजिली मिल जाएगा। सो चलिए चपोरा फोर्ट चलते हैं। सो यू नीड टू क्लाइंब अ लॉट ऑफ स्टेयर्स, मतलब मट्टी के हैं, नॉट लाइक सीमेंटेड वंस। तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम हम जब यहाँ पे आए थे 5 years ago, दैट टाइम इतने भी नहीं थे, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी से पत्थरों के बीच में चढ़ना पड़ता था। सो अभी फिर भी ईजियर लग रहा है एंड मुझे याद नहीं कितने स्टेयर्स कितना ऊपर है, बट स्टिल लेट्स गो। फ्रॉम हियर यू कैन सी द वैगाटोर बीच ऑल्सो, और ऊपर से और अच्छा दिखता है वहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। चपोरा फोर्ट को अभी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी मेंटेन करती है और इसकी टाइमिंग है 10 AM to 5 PM। सो सिंस इनके पास डेटा होना ज़रूरी है कि कौन आया था, कब आया था, सो दे ऑलवेज टेक एंट्रीज और देयर इज़ नो एंट्री फीस दो। और अभी हम लोग फोर्ट के अंदर आ गए हैं। बेसिकली ये फोर्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, सो यू कैन ओनली सी रूइंस ऑफ द फोर्ट, बट यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है वैगाटोर बीच का। एंड ऑल्सो यहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी एक सीन की, सो दैट्स वाई दिस फोर्ट बिकेम इवन मोर पॉपुलर। तो यहाँ से आप देखिए वो जो दिख रहा है वो वैगाटोर बीच है एंड द ब्यूटी इज़, ओह माय गॉड, इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। द फोर्ट इज़ कम्प्लीटली रूइंड, तो फोर्ट तो इतना कुछ देखने लायक नहीं था, बट द व्यू ऑफ द वैगाटोर बीच इज़ ब्रेथ टेकिंग गाइज, यू हैव टू कम हियर। बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी गर्मी थी बिकॉज हम लोग अक्टूबर के मंथ में आए थे, बट इट्स टोटली वर्थ कमिंग हियर। यहाँ से आपके फ़ोटोज़ भी एकदम ज़बरदस्त आएंगे, इट्स टोटली वर्थ इट। चपोरा फोर्ट से नीचे आने के बाद हम लोग इतने टायर्ड हो गए थे कि हमने सोचा कि एक टेंडर कोकोनट का पानी पी लेते हैं। सो हमने लिया है टेंडर कोकोनट, इसकी प्राइस भी आपको स्क्रीन में दिखाई देगी। सो या लेट्स हैव दिस। टेंडर कोकोनट के पानी को पीने में तो हमेशा ही मज़ा आता है और इट जस्ट रिफ्रेशेस यू कम्प्लीटली। तो मुझे टेंडर कोकोनट वाटर एंड लाइम सोडा, दीज 2 आर माई गो टू बेवरेजेस जब मुझे ओवरली एग्जॉस्टेड फील होता है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मुझे टेंडर कोकोनट की मलाई कितनी पसंद है। सो मैं जब भी टेंडर कोकोनट मंगाती हूँ मैं हमेशा मलाई वाला मंगाती हूँ और सौरभ हमेशा पानी वाला मंगाते हैं बिकॉज उनको मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है। सो यहाँ पर मैं अपनी टेंडर कोकोनट की मलाई एन्जॉय कर रही हूँ और पेट भी भर जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है मुझे। अब हो चुका है लंच का टाइम और हम लोग फिर से आ गए हैं कलंगट बीच। हम जिस रिज़ॉर्ट में रुके हैं उसी का रेस्टोरेंट है ये। इस रेस्टोरेंट का नाम है वाइट बीच रेस्टोरेंट और यहाँ से जो व्यू है ना बीच का, इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस। और इस पूरे रेस्टोरेंट की वाइब एकदम मस्त है। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था एंड सामने बीच थी। सच एन अमेजिंग फीलिंग, आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। सो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। तो पहले हम लोग बेवरेजेस ट्राई कर रहे हैं और अपनी खाने का वेट करते हैं। सो ये आ गया हमारा लंच। यहाँ की स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली थी एंड दे वुड सजेस्ट यू गुड थिंग्स टू ट्राई। तो हमने मंगाया है एक वेज फ्राइड राइस, एक वेज सकोटी जो गोवन स्पेशलिटी होती है, और अनदर गोवन स्पेशलिटी विच इज़ चिकन काफ्रियाल। सो या लेट्स डिग इन। तो मैं पहले स्टार्ट करूँगी चिकन काफ्रियाल से बिकॉज़ मुझे काफ़ी यमी लग रहा था दिखने में। और थोड़ा सा काफ्रियाल ले लिया और इसको मैंने सुना है कि गोवन पाव या गोवन बन के साथ खाते हैं ऐसे, बट देन यहाँ के स्टाफ ने कहा कि इनके पास बन नहीं होती है बट रोटी होती है एंड इसे रोटी के साथ खाया जाता है। बट जहाँ तक मैंने सुना है इसको गोवन पाव के साथ ही खाया जाता है। बट येस, हम लोग यहाँ पर रोटी के साथ ट्राई करेंगे काफ्रियाल को। एंड थोड़ा सा मैंने फ्राइड राइस ले लिया, थोड़ा सा वेज जकोटी ले लिया, सब कुछ प्लेट में अरेंज कर लिया एंड देन आई विल ट्राई देम वन बाय वन। पहले लेते हैं एक रोटी एंड ऑल्सो रोटी के साथ ट्राई करेंगे चिकन काफ्रियाल। मुझे देखने में ही मुंह में पानी आ रहा था एंड जैसे ही मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया, ओ माय गॉड, दिस वाज सो अमेजिंग। बहुत ही आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस फ्लेवर। इट्स नॉट मसालादार बट इट्स वेरी यू नो रोस्टेड काइंड ऑफ फ्लेवर आपको फील होगा। बहुत ही यू नो यम था। ऊपर से जो लेयर था थिक मसाला का, ये पूरा ग्रीन कलर का मसाला था और अंदर चिकन थी और ऊपर से पूरा मतलब थिक मसाला पेस्ट लगा दिया इन्होंने। एंड मसाला इज़ सो माइल्ड, इट्स नॉट वेरी स्पाइसी, इट्स वेरी माइल्ड एंड वेरी 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 फ्लेवरफुल। तो इसे रोटी के साथ अच्छा ही लग रहा था बट आई गेस इसे पाव के साथ खाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बट येस, रोटी के साथ भी अच्छा ही लग रहा था। रोटी एंड वेज जकोटी भी मैंने ट्राई की और जकोटी हैड अ वेरी नाइस फ्लेवर ऑफ कोकोनट। और आपको कोकोनट बेस्ड ग्रेवी अगर पसंद है तो आपको वेज जकोटी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, पनीर का भी आई गेस ऑप्शन होता है एंड ऑल्सो मशरूम का भी ऑप्शन होता है। एंड नॉनवेज में तो जकोटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर, तो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन जकोटी आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हो। एंड येस, सो ये रहा जकोटी ग्रेवी का एक क्लोज़अप। इट हैज़ लॉट्स ऑफ वेजी, डेफिनेटली अ वेरी हेल्दी सब्जी। एंड रोटी के साथ खाओगे बहुत मज़ा आएगा आपको। फाइनली हमने ट्राई की इनकी वेज फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस काफ़ी एवरेज या बोल सकते हो बिलो एवरेज थी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई। इट डिडंट हैव मच फ्लेवर, बहुत ही ब्लैंड लगी मुझे। सो आप अवॉइड कर सकते हो। सो मैं जा रही हूँ क्विकली अपना लंच फिनिश करने। और कैफ्रियाल के बारे में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मुझे कैफ्रियाल ना ऐसे ही खाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था रैदर देन हैविंग इट विद रोटी। तो ऐसे प्लेन काफ्रियाल भी आई गेस आप खा सकते हो बिकॉज काफ़ी टेस्टी लग रहा था उस तरीके से खाने में। सो या आई एम गोइंग टू क्विकली फिनिश माई लंच और लंच के बाद मिलते हैं। लंच के बाद हम लोग फिर से हमारे रिज़ॉर्ट चले गए थे एंड हमने एक पार नैप ले ली बिकॉज़ आफ्टरनून में इवानका को नैप लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है शाम को। ऑल्सो इस रिज़ॉर्ट का वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा बिकॉज़ बहुत ही सही रिज़ॉर्ट, आपको काफ़ी पसंद आएगा। बजट फ्रेंडली है, कलंगट बीच के पास है और काफ़ी सुंदर है। सो डेफिनेटली चेकआउट दैट वीडियो। और ऑल्सो मेरे हर अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी हम लोग आ गए हैं कलंगट बीच में कैंडल लाइट डिनर करने के लिए। बीच के सामने रिजॉर्ट लेने का फ़ायदा यही है कि जब मन किया ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब के लिए आप बीच में आ सकते हो। सो अगर आप गोवा ट्रिप करते हो तो डेफिनेटली बीच के पास ही रूम देखिएगा। एंड यहाँ का माहौल देखिए कितना हैपनिंग लग रहा है। और कैंडल लाइट डिनर, वो भी बीच में और शोर के इतने पास, बहुत मज़ा आया था मुझे। एंड अब मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। तो हम जिस टेबल में बैठे हैं ये है कैफ़े गोवा का टेबल। सो सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ पीछे हैं और सब ने अपना अपना टेबल लगाया होता है बीच में। तो आप जिनके भी टेबल में बैठोगे वो इमीडिएटली आपके पास आकर ऑर्डर ले लेते हैं। सो यहाँ के स्टाफ ना आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी, लाइक यू कैन टेक योर टाइम टू प्लेस योर ऑर्डर। और जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हो आपका ऑर्डर आपके पास आ जाता है। लाइक इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, बट आपको यू नो गोवा में आपको लाइक यू नेवर वांट द ऑर्डर वेरी क्विक राइट, आप बस चिल करना चाहते हो। सो इट टुक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा भी वेट नहीं करना पड़ता। सो हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ गया। हमने मंगाया है फ्रेंच फ्राइज़, चिली मशरूम एंड ऑल्सो सम मसाला पीनट। तो चलिए ट्राई करेंगे सब। सो फर्स्ट मैं ट्राई कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। सो इसमें कुछ ड्रामा नहीं है, लाइक इट्स अ वेरी बेसिक सॉल्टेड फ्रेंच फ्राइज़ और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और ईवो को फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, तो हम लोग वेरी फ्रिक्वेंटली जब हमें लगता है कि वो ज़्यादा कुछ खाएगी नहीं तो फ्रेंच फ्राइज़ मंगा ही लेते हैं। देन मैं ट्राई कर रही हूँ इनका मशरूम चिली। तो इनके प्राइजेस ना काफ़ी हायर एंड में है, तो ये एक बात थी, बट टेस्ट बहुत ही अच्छा था। अब मैं ट्राई कर रही हूँ पीनट मसाला। ये भी काफ़ी अच्छा था, बट हर चीज़ की प्राइस काफ़ी हाई थी। अदरवाइज इट्स गुड बट प्राइस इज़ नॉट जस्टिफाइबल। एंड फाइनली हमने ट्राई की वेज फ्राइड राइस, और इनकी वेज फ्राइड राइस काफ़ी दिखने में अच्छी थी एंड ऑल्सो जैसे मैंने इसे टेस्ट किया इट वॉज़ अमेजिंग। लाइक बेसिकली हमने कैफ़े गोवा से जितने भी चीज़ें ट्राई किए सब कुछ एक से बढ़कर एक निकली। सो अगर आप कलंगट बीच में कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हो सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर यू। इवन द स्टाफ इज़ वेरी अटेंटिव, और वो मतलब बिल्कुल भी आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं। यू कैन जस्ट सिट एंड चिल, और जब आपको ज़रूरत होगी वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपकमिंग गोवा के वीडियोस काफ़ी सारे आने वाले हैं, सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।